बताया है ना मैंने, उसी के आधार पर इसे बनाया। दूसरा नंबर जी एक्स बराबर में दिया है एक्स क्यूब माइनस का 3x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा यहां से 3x स्क्वायर माइनस का 3 नहीं ना हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे चाहो तो 3 कॉमन कर सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी डैश एक्स के बराबर में 0 रखेंगे, जी डैश एक्स बराबर में 0, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 बराबर में 0। एक्स का मान है क्या, वहां से माइनस 1 और एक प्लस 1 आएगा, माइनस 1 और प्लस 1 आएगा। आप चाहो तो मैं पहले वाले तरीके से भी बता सकता हूँ, दो तरीका था ना, प्रथम अवकलज परीक्षा के द्वारा और द्वितीय अवकलज परीक्षा के द्वारा, तो हम लोग प्रथम वाले से ही बना सकते हैं द्वितीय। जैसे पहला मैंने द्वितीय से बताया, अब बिना डबल डिफ्रेंसिएशन के भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे जी डैश एक्स की चिन्ह योजना, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। चिन्ह योजना मैंने बता रखी है किस तरह से निकालना होगा चिन्ह योजना को, जी डैश एक्स में देखकर फंक्शन क्या अवकलज में देखेंगे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस वन और यहाँ पे वन रख दो। देखो अब इससे छोटे इसके बीच के किसी वैल्यू को, जैसे माइनस टू है, माइनस टू रखोगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बीच में कोई लो जीरो ले लो, जीरो लोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा। वन से बड़ा कोई लोगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ प्लस एक्स बराबर माइनस वन पर है ना, एक्स बराबर माइनस वन पर एफ जी डैश एक्स का चिन्ह, जी डैश एक्स का चिन्ह क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी कि एक्स बराबर माइनस वन है क्या, अस्थानीय अस्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु, यह स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है, और स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख देंगे, जी है ना, जी जी माइनस वन फंक्शन में रख देंगे हमारा आ जाए। तो फंक्शन में है क्या, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, यानी किया जाएगा माइनस वन का क्यूब और माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो ये माइनस वन और प्लस का थ्री घट के यहाँ पे टू आ जाएगा, तो उच्चतम मान निकलेगा। और दूसरा कंडीशन एक्स बराबर वन पर जी डैश एक्स का चिन्ह, जी डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, इसलिए एक्स बराबर वन क्या होगा, स्थानीय स्थानीय निम्नतम निम्नतम मान वाला बिंदु होगा, ठीक है, और इसका स्थानीय निम्नतम मान फंक्शन में रख देंगे, स्थानीय स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, फंक्शन में रख देंगे जी वन, यानी किया जाएगा वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू में वन, तो वन में से थ्री घटा देंगे माइनस टू, ये आपका निम्नतम मान हो जाएगा, समझ गए ना। और नहीं तो ये चीज ना करके हम लोग सीधे फिर उसी फंक्शन को लेते हैं पुनः, अगर नहीं लेना होता तो जी डैश एक्स बराबर में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, यहाँ से आ जाता है आपका सिक्स एक्स। अब क्या करते हैं, एक बार एक पर चेक करते हैं, एक बार माइनस एक पर, तो एक्स बराबर माइनस वन पर क्या हो जाता है, जी डबल डैश माइनस वन बराबर छ गुना माइनस वन, माइनस का छह जो कि जीरो से छोटा है, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु हो जाएगा एक्स बराबर माइनस वन, जहाँ जैसे इसमें देख रहे हैं, और वन पे चेक करते प्लस में आ जाता है, जीरो से बड़ा हो जाता है तो वो निम्नतम मान वाला बिंदु हो जाता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे बढ़ते हैं, कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। तो अगला देखते हैं।